संयुक्त किसान मोर्चे के सीनियर नेता इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। प्रदेश भर के किसानों के जिला प्रधान भी इसमें मौजूद हैं। 29 नवंबर को दिल्ली कूच पर चर्चा हो रही है। तो प्रदेश भर के किसानों के जिला प्रधान भी इस बैठक में मौजूद हैं। 29 नवंबर को दिल्ली कूच पर चर्चा हो रही है। रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो भाकियू चढ़ूनी ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। तो आपको बता दें, एक साल का वक्त पूरा होने वाला है किसान आंदोलन को चलते हुए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों की इब्तदाई दौर से लेकर मांग अब तक यही है कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और इसी के साथ ही एमएसपी को सुनिश्चित करने वाला चौथा कानून लेकर आए। इस दौरान हमने कई तरह के प्रकरण भी देखे, घटनाक्रम देखे, लेकिन आज किसान आंदोलन और इस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है कि एक साल जहां पर किसान आंदोलन को पूरा होने वाला है, तो वहीं इसी बीच एक बार फिर से किसान नेता रणनीति बनाने में जुटे हैं ताकि इस रणनीति का जो प्रभाव है वो केंद्र सरकार पर पड़े और केंद्र सरकार कोई ना कोई फैसला ले। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य, फिलहाल इस खबर को लेकर आपके पास अपडेट क्या है? कौन कौन से किसान नेता इस बैठक में मौजूद हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए करनाल के अंदर, आज किसान के जो नेता हैं वो करनाल के एक गुरुद्वारे के अंदर पहुंचे हुए हैं। वहां पे संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो पहुंचे हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं, अगर बात की जाए भारतीय किसान यूनियन के जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है वो इस बैठक के अंदर मौजूद है। अगर बात की जाए संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता सरदार सुरजीत सिंह पुल, वो मौके पर है। तो ऐसे कई ऐसे जो नेता हैं, तमाम नेता जो अधिकतर हैं वो इस जो मीटिंग के अंदर अपनी बातचीत कर रहे हैं। लगभग जो बताया जा रहा है 3 से 4 घंटे की जो अहम मीटिंग है, 3 से 4 घंटे की अहम मीटिंग के बाद जो निर्णय लिया जाएगा अहम मीटिंग का, उसके बाद देखना ये होगा कि क्या कुछ इस मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा रहता है, क्या कोई रणनीति सामने आ रही है कि इस रणनीति के तहत अब किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अब दिल्ली कूच करने को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल, जो 29 तारीख को जो एक दिल्ली कूच की जो किसानों की ओर से जो कॉल दी गई है, तैयारियां उसके लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि करनाल के अंदर जिस तरीके से अब ये मीटिंग अहम देखी जा रही है, अहम तरीके से मीटिंग देखी जा रही है। लगभग जो हमने अभी किसानों से बात करी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अभी जो निर्णय है, अभी क्योंकि गुपचुप तरीके से वो मीटिंग है, साफ तौर पर खुल के कोई भी सामने नहीं बोल पा रहा। अभी देखना ये होगा, लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद ये मीटिंग खत्म होगी। उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मीटिंग का मुख्य जो है रूप क्या रहा। चलिए लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रदेश भर के किसानों के जिला प्रधान भी इस बैठक में मौजूद हैं और मकसद यही है कि कोई ना कोई ऐसी रणनीति बनाई जाए जिसका असर केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर पड़े और केंद्र सरकार कोई ना कोई फैसला जरूर ले। तो किसान आंदोलन को चलते हुए एक साल का वक्त पूरा होने वाला है और इसी को लेकर एक बार फिर से किसान सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। भाकियू चढ़ूनी ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। हमारे संवाददाता लक्ष्य भी इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। तुरंत बड़ा अपडेट आते ही सबसे पहले आपको अवगत करवाएंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चे के सीनियर नेता भी इस बैठक में शामिल हैं और जानकारी ये सामने आ रही है कि दिल्ली कूच को लेकर ये चर्चा चल रही है। 29 नवंबर को दिल्ली कूच को लेकर ये चर्चा हो रही है और किस तरीके से तैयारियां करनी है, दिल्ली कूच किस तरीके से करना है, इसी का एक खाका तैयार किया जा रहा है।